चालबाज चीन, दगेबाज चीन, धूर्त चीन, मक्कार चीन, चलाक साहूकार चीन। आप सोच रहे होंगे कि आखिर हम चीन को भर भर कर क्यों कोस रहे हैं, तो इसके पीछे है उसकी घिनौनी सोच, घिनौनी हरकत, वो घिनौनी सोच जिसका सारी दुनिया में पर्दाफाश हो गया है। चीन अपनी सरहदों पर जितना मक्कार और जमीन खोर पड़ोसी है, उतनी ही दुष्टता वो दोस्ती के नाम पर दूर दूर के देशों के साथ कर रहा है और करता आया है। वो दुष्टता जिसकी शुरुआत दूसरों को मदद देने के नाम पर होती है। दुनिया के ऐसे तमाम मुल्क हैं जिनकी माली हालत बिल्कुल भी अच्छी नहीं है, रोटी के भी लाले हैं। ऐसे देशों को चीन अपना शिकार बनाता है, बकायदा उनकी रेकी करता है और फिर उन्हें मदद देने के नाम पर कर्ज बांटता है। बस वहीं से शुरू हो जाती है चीन की सूदखोर हरकत, जिसमें मदद के नाम पर वो शुरू करता है ऐसी साजिश जिसके दलदल में फंसकर तमाम देश बर्बाद हो चुके हैं और तमाम बर्बाद होने की कगार पर हैं। कैसे उसे विस्तार से बताएं, उससे पहले चीन की ताजा ताजा सूदखोर हरकत तो जान लीजिए। चीन की सूदखोर साजिश का शिकार लाओस। ड्रैगन की सूदखोर ट्रैप डिप्लोमेसी की सबसे नया शिकार हुआ है दक्षिण पूर्व एशिया का उसका पड़ोसी लाओस। चीन ने पहले लाओस को मदद के नाम पर इतना कर्ज दिया जिसके भार तले लाओस पूरी तरह से दब गया। अरबों डॉलर का कर्ज जिसे चुका पाने में लाओस सक्षम नहीं है। ऐसे में ड्रैगन ने लाओस से उसका पावर ग्रिड हथिया लिया है, यानी लाओस की बिजली पर अब चीन का कब्जा हो गया है। लेकिन खतरा सिर्फ इतना नहीं है, सिर्फ बिजली ग्रिड सौंपने से चीन का कर्ज नहीं उतरने वाला है, लाओस पर डिफॉल्टर होने का खतरा मंडराने लगा है। लिहाजा वो कर्ज चुकाने के लिए चीन से मोहलत की मिन्नतें भी कर रहा है। चीन ने भी उसे ऐसे समय पर कर्ज दिया जब वैश्विक रेटिंग एजेंसी मूडीज ने लाओस की रेटिंग को पहले से ही जंग के आसपास घोषित कर रहा था। इसका मतलब ये हुआ कि लाओस को कर्ज देने का मतलब है कि करीब करीब डूब जाना। लेकिन बावजूद इसके चीन ने उसे लोन दिया, भरपूर दिया, और अब लोन की वापसी में वो लाओस पर कब्जा जमाने की कोशिश में जुटा है। चीन अपने पड़ोसी देश लाओस में 6 बिलियन डॉलर की लागत से हाई स्पीड रेल कॉरिडोर को बनाने पर काम कर रहा है। इस ट्रैक पर पहली ट्रेन 2 दिसंबर 2021 को लाओ राष्ट्रीय दिवस पर राजधानी वियंतियाने आने वाली है। इस तारीख को 1975 में ये देश कम्युनिस्ट शासन के अंतर्गत आया था। हाल ही में रिपोर्टों से पता चला है कि लाओस चीन की महत्वाकांक्षी योजना बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव का नया शिकार है। अब चीन की चालबाजी और मक्कारी देखिए, कैसे चीन ने अपने फायदे के लिए लाओस को मदद का स्वांग रचा। लाओस ने मेकोंग नदी पर कई हाइड्रो पावर और हाई स्पीड रेल प्रोजेक्ट के लिए चीन से अरबों डॉलर का लोन लिया है। ये प्रोजेक्ट चीन की बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव से जुड़ी हुई है, जो चीन के दक्षिणी प्रांत यूनान को दक्षिण पूर्व एशिया के देशों से जोड़ेगी। यानी इसमें सबसे ज्यादा फायदा चीन को ही होना है। लेकिन कर्ज किसने लिया? लाओस ने रेल प्रोजेक्ट की कुल लागत का लगभग 60% धन एक्सपोर्ट इंपोर्ट बैंक ऑफ चाइना ने दिया है, जबकि शेष का 40% बजट चीन की 3 सरकारी कंपनियों के साझा उद्यम से मिला है। इस प्रोजेक्ट में 70% स्वामित्व चीन का है, जबकि लाओस को 30% की हिस्सेदारी दी गई है। लेकिन ये 30% हिस्सेदारी भी लाओस के हाथ से निकल जाए तो हैरानी कैसी, क्योंकि लाओस कर्ज चुका नहीं पाएगा और ये हिस्सेदारी भी उसके हाथ से निकल जाएगी। मतलब अपना देश होने के बावजूद उस पर चीन का आधिपत्य धीरे धीरे कायम हो जाएगा। चीन की सूदखोर साजिश का शिकार मलेशिया।
चीन की इसी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव योजना के चुंगल में मलेशिया भी फंस चुका है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने दिवालिया हो गए मलेशिया के स्टेट फंड को कर्ज देकर उबारने के बदले मलेशिया में रोड, ट्रेन और पाइपलाइन के कई प्रोजेक्ट्स पर कब्जा जमा लिया था। चीन की सूदखोर साजिश का शिकार श्रीलंका। श्रीलंका में चीन ने हम्बनटोटा बंदरगाह, एक नया एयरपोर्ट, एक कोल पावर प्लांट और सड़क के निर्माण में 4.8 अरब डॉलर का निवेश किया था। 2016 के आते आते ये कर्ज 6 अरब डॉलर का हो गया। छोटे से श्रीलंका ने चीन का कर्ज न चुका पाने के कारण हम्बनटोटा बंदरगाह चीन की मर्चेंट पोर्ट होल्डिंग्स लिमिटेड कंपनी को 99 साल के लिए लीज पर दे दिया था। साल 2017 में इस बंदरगाह को 1.12 अरब डॉलर में इस कंपनी को सौंपा गया। इसके साथ ही पास में ही करीब 15,000 एकड़ जगह एक इंडस्ट्रियल जोन के लिए चीन को दी गई थी, जिस पर चीन की मंशा अपना सैनिक अड्डा बनाने की थी। लेकिन इस योजना का श्रीलंका में जबरदस्त विरोध हुआ है, तो इंडस्ट्रियल जमीन वाला मसला चीन को परेशान कर रहा है। दरअसल चीन की नीति है कि जब वो किसी छोटे देश को अपने साथ करना चाहता है तो वहाँ इतना पैसा लगा देता है कि वो देश उसके कर्ज के जाल में फंस जाए। दरअसल चीन की सोच हमेशा विस्तारवादी, पूंजीवादी रही है। वो दुनिया के तमाम देशों में अलग अलग तरह से अपनी जड़ें जमाने की कोशिश कर रहा है। उत्पादों को लेकर उसका दुनिया के बड़े हिस्से पर पहले से ही कब्जा बना हुआ है। चीन की सूदखोर साजिश का शिकार पाकिस्तान। यही हाल पाकिस्तान में चलाई जा रहा है। चीन पाक कॉरिडोर परियोजना के साथ भी है। चीन ने पाकिस्तान से रास्ता बनाने के लिए सीपेक नाम से परियोजना शुरू की है, जिसमें हजारों करोड़ रुपए का पैसा उसने पाकिस्तान में झोंक दिया है। एक तरफ कहने को तो पाकिस्तान का भी विकास हो रहा है, लेकिन असल में वो परियोजना के नाम पर पाकिस्तान को जो कर्ज दे रहा है, उसके नाम पर आने वाले कल में वो पाकिस्तान पर भी अपनी गिरफ्त मजबूत करेगा और भिखारी पाकिस्तान कहीं का नहीं रह जाएगा। यही है सूदखोर चीन की चाल, उसका चाल चरित्र, और ये दुनिया के लिए बहुत खतरा भी है, जिसे सही समय पर अगर समझा गया तो चीन दुनिया के लिए बड़ा खतरा बन सकता है।